चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पंचतंत्र की एक और कहानी। चालाक खरगोश। एक गुफा में एक बड़ा ताकतवर शेर रहता था। वो प्रतिदिन जंगल के अनेक जानवरों को मार डालता था। उस वन के सारे जानवर उसके डर से कांपते रहते थे। एक बार जानवरों ने सभा की। उन्होंने निश्चय किया कि शेर के पास जाकर उससे निवेदन किया जाए। जानवरों के कुछ चुने हुए प्रतिनिधि शेर के पास गए। जानवरों ने उसे प्रणाम किया। फिर एक प्रतिनिधि ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आप इस जंगल के राजा हैं। आप अपने भोजन के लिए प्रतिदिन अनेक जानवरों को मार देते हैं, जबकि आपका पेट एक जानवर से ही भर जाता है। शेर ने गरज कर पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सभी जानवरों ने निवेदन किया, महाराज आप भोजन के लिए कष्ट न करें। आपके भोजन के लिए हम स्वयं हर दिन एक जानवर को आपकी सेवा में भेज दिया करेंगे। आपका भोजन हर दिन समय पर आपकी सेवा में पहुंच जाया करेगा। शेर ने कुछ देर सोचा और कहा, यदि तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, किंतु ध्यान रखना कि इस नियम में किसी प्रकार की ढील नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हर दिन एक पशु शेर की सेवा में भेज दिया जाता। एक दिन शेर के पास जाने की बारी एक खरगोश की आ गई। खरगोश बुद्धिमान था। उसने मन ही मन सोचा, अब जीवन तो शेष है नहीं, फिर मैं शेर को खुश करने का उपाय क्यों न करूं? ऐसा सोचकर वह एक कुएं पर आराम करने लगा। इसी कारण शेर के पास पहुंचने में उससे बहुत देर हो गई। खरगोश जब शेर के पास पहुंचा तो वह भूख के कारण परेशान था। खरगोश को देखते ही शेर जोर से गरजा और कहा, एक तो तू इतना छोटा सा खरगोश है और फिर इतने देर से आया है, बता तुझे इतने देर कैसे हुई? खरगोश बनावटी डर से कांपते हुए बोला, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, हम दो खरगोश आपकी सेवा के लिए आए थे, किंतु रास्ते में एक शेर ने हमें रोक लिया, उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, यदि तुमने मुझे मार दिया तो हमारे राजा तुम पर नाराज होंगे और तुम्हारे प्राण ले लेंगे। उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? इस पर मैंने आपका नाम बता दिया। यह सुनकर वह शेर क्रोध से भर गया। वो बोला, तुम झूठ बोलते हो। इस पर खरगोश ने कहा, नहीं मैं सच कहता हूँ, तुम मेरे साथी को बंधक रख लो, मैं अपने राजा को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। खरगोश की बात सुनकर दुर्दांत शेर को क्रोध बढ़ गया। उसने गरज कर कहा, चलो मुझे दिखाओ कि वह दुष्ट कहाँ रहता है। खरगोश शेर को लेकर एक कुएं के पास पहुंचा। खरगोश ने चारों ओर देखा और कहा, महाराज ऐसा लगता है कि आपको देखकर वह शेर अपने किले में घुस गया है। शेर ने पूछा, कहाँ है उसका किला? खरगोश ने कुएं को दिखाकर कहा, महाराज यह है उस शेर का किला। खरगोश स्वयं कुएं की मुंडेर पर खड़ा हो गया। शेर भी मुंडेर पर चढ़ गया। दोनों की परछाई कुएं के पानी में दिखाई देने लगी। खरगोश ने शेर से कहा, महाराज देखिए वह रहा मेरा साथी खरगोश, उसके पास आपका शत्रु खड़ा है। शेर ने दोनों को देखा, उसने भीषण गर्जन किया, उसकी गूंज कुएं से बाहर आई। बस फिर क्या था, देखते ही देखते शेर ने अपने शत्रु को पकड़ने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और वहीं डूबकर मर गया।